वज़ीर दाखला ने मौलाना फजल रहमान को वहशी जट करार दे दिया। कहते हैं मुल्की सियासत अहम मोड़ पर है, सब भाग जाएंगे, मौलाना धर लिए जाएंगे, जीतें या हारें फायदा इमरान खान को होगा, 63 की खिलाफ वर्जी करने वाला वोट नहीं डाल सकेगा, स्पीकर किसी का भी वोट मुस्तरद कर सकता है, नस्ली और असली लोग इमरान खान के साथ खड़े होंगे। पंजाब की वजारत आला से मुतालिक परवेज खटक के बयान पर काफली का रद्द अमल। चौधरी मोना सिलाही कहते हैं परवेज खटक से हर दूसरे दिन बात होती है, अपने बयान की वजाहत वो खुद कर दें। 172 से ज्यादा अरकान तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे, आज ही इजलास बुलाएं, तहरीक अदम एतमाद लेकर आएगी। वजीर अला सिंह का चैलेंज, कहा MQM के किसी भी मुतालबे के खिलाफ नहीं, हर सियासी जमात के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, PDM के मार्च में शिरकत का फैसला पार्टी करेगी। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी, इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे महंगा, 179.50 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मौशी माहरीन का कहना है बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया दबाव का शिकार है।